पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरे की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध एक लीटर एक किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद, वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और कल सुप्रीम कोर्ट में बागी एमएलए की सदस्यता पर सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। यहां आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के फैसले को बागी विधायकों ने कोर्ट में चुनौती दी। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जिस पर सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से बागी विधायकों ने कहा है कि अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है और विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है, कितना महत्वपूर्ण ये केस रखेगा? बिल्कुल, देखिए जो 6 बागी विधायक हैं जिनको स्पीकर की तरफ से अयोग्य करार दिया गया है, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टे एप्लीकेशन लगाई गई है और वो केस कल के लिए लिस्ट हुआ है। 36 नंबर पर ये केस है और इसमें देखना ये होगा कि क्या इन अयोग्य करार दिए गए विधायकों को राहत मिलती है या फिर फैसला स्पीकर का बरकरार रखा जाता है, तो ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अपना पक्ष जो है रखने की कोशिश यहाँ पर सभी 6 विधायक जो अयोग्य करार दिए गए विधायक हैं, ये अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे और इनका लगातार कहना यही है कि हमें अपनी बात स्पीकर ने कहने नहीं दी है, हम अपनी बात रखना चाहते थे, हमें समय नहीं दिया गया है और एकदम से उनको अयोग्य करार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा जो है उनके लिए बन गया है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। कल इसको लेकर सुनवाई होनी है और उसमें ही देखना होगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है और क्या इनको राहत देता है या फिर उस जो स्पीकर का फैसला है उसको ही बरकरार रखता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, कोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बागी विधायकों की तरफ से चुनौती दी गई है कि किस तरह से सदस्यता चली गई है और कल सुप्रीम कोर्ट में एमएलए की सदस्यता पर यह महत्वपूर्ण सुनवाई रहेगी। देखना होगा कोर्ट का क्या पक्ष रहता है।